टॉम क्रूज को हॉलीवुड की इस बड़ी इंडस्ट्री में काम करते हुए कम से कम 30 से 35 साल हो चुके हैं और वो मोस्टली हर तरह की मूवीज कर चुके हैं, लेकिन एक तरह की मूवी उन्होंने अभी तक नहीं की और वो है कॉमिक बुक बेस्ड मूवी। यानी मैं यहाँ पर डीसी, मार्वल या स्टार वॉर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन उनकी जिंदगी में एक मौका आया था जब उन्हें सुपर हीरो कॉमिक वाले करेक्टर करने का मौका मिल रहा था, लेकिन फिर वो डील हो नहीं पाई और वो था आयरन मैन का करेक्टर, जो कि 2008 वाली मूवी आयरन मैन की है। उसमें सबसे पहले जिस बंदे को कास्ट करने की कोशिश की गई थी वो था टॉम क्रूज। और मैं बड़ा खुश हूँ कि वो डील पूरी हुई नहीं, क्योंकि अगर वो डील पूरी हो जाती तो हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर देखने को ना मिलता, जो कि एक परफेक्ट आयरन मैन लगता है। और मेरे ख्याल से टॉम क्रूज उस रोल को इतना लंबा निभा भी नहीं पाते। खैर, कुछ अर्सा पहले एक और खबर चलना शुरू हुई है कि टॉम क्रूज जो डीसी यूनिवर्स है उसका हिस्सा बन रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि टॉम क्रूज अगर डीसी यूनिवर्स में आते हैं तो वो कौन सा किरदार बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो करेक्टर जिसके बारे में बहुत ज़्यादा खबरें चल रही थी कि टॉम क्रूज वो करेंगे, वो था ग्रीन लैंटर्न का करेक्टर। और यकीन माने, अगर ऐसा होता है ना तो मैं कहता हूँ ये डीसी की तरफ से बहुत बुरा फैसला होगा। अब मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ। देखिए, हमारी जो जस्टिस लीग है वो सुपरमैन भी अभी नया बना है, हमारे पास फ्लैश भी नया है, साइबोर्ग भी नया है, तो हमें जो ग्रीन लैंटर्न चाहिए वो भी यंग चाहिए। और हम सबको टॉम क्रूज की एज का पता है कि वो 56 है। और बेन अफ्लेक वाले बैटमैन के साथ भी यही इशू है। वो बैटमैन तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन मसला एज का है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी मूवीज कर सकते हैं, 2 मूवीज 3 मूवीज, और इससे ज़्यादा मूवीज़ की तरफ अगर जाएगा तो वो एज का फैक्टर बीच में पड़ जाएगा। सेम सिचुएशन मेरे ख्याल से टॉम क्रूज के साथ है। हमें अगर टॉम क्रूज की तरफ जाना है तो डीसी को उस रोल पर फोकस करना होगा कि या तो वो कुछ अरसे के लिए आए और किसी दूसरे करेक्टर की मेंटोरिंग करे, और या फिर कोई ऐसा करेक्टर डाल दें कि जिसको अगर वो बाद में मार भी दें तो इतना ज़्यादा लोगों को दुख ना हो। यानी जैसे लोग कह रहे हैं कि उसे ग्रीन लैंटर्न का रोल देना चाहिए, मेरे ख्याल से ग्रीन लैंटर्न, ग्रीन एरो, एटम, इन जैसे रोल से उसे दूर रखना चाहिए। हाँ, अगर जैसे इन्होंने बैटमैन वी सुपरमैन बनाई थी उसमें ग्रीन एरो का छोटा सा रोल रखते थे, यानी अगर जैसे आपने द डार्क नाइट रिटर्न देखी हो उसका पार्ट 2 जिसमें ग्रीन एरो का छोटा सा एक रोल होता है और उसका हाथ कटा होता है, यानी कि वो बाबा बना होता है, तो उस तरह का रोल करने के लिए मेरे ख्याल से टॉम क्रूज बड़ा बेहतर रहना था। लेकिन एक यंग के लिए मेरा नहीं ख्याल कि टॉम क्रूज बेहतर रहेगा। तो मेरी नज़र में यहाँ पर कुछ ऐसे करेक्टर हैं जो टॉम क्रूज के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेंगे। सबसे पहला करेक्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ब्लू बीटल को ये इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, अब आप सोचेंगे कि ब्लू बीटल वो तो इतना यंग है, मैं यहाँ पर टेड कॉर्ड की बात कर रहा हूँ। टेड कॉर्ड आपको पता है वो पुराना ब्लू बीटल है, और आपके पास हाइमी नया ब्लू बीटल है। यानी वो नए ब्लू बीटल की ट्रेनिंग के लिए और उसको समझाने के लिए, इस तरह के काम करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त करेक्टर रहेगा टॉम क्रूज के लिए। अगर वो वहाँ पर मौजूद नहीं भी होता, चला भी जाता है मूवी के, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टॉम क्रूज का जो शौक है वो एक्शन वाले काम करने का है, तो वो मेरा नहीं ख्याल इतना ज़्यादा इस तरह के कामों में टिक पाएगा। इसके अलावा एक वाइल्ड कैट का करेक्टर है, वो थोड़ा सा बल्की सा है और फुल टाइम बॉडी बिल्डर है, वो बहुत कम चांस है कि ये टॉम क्रूज को मिले, लेकिन वो भी हम यहाँ पर रख लेते हैं कि वो भी शायद टॉम क्रूज अगर करना चाहे तो इस तरह का रोल भी किया जा सकता है। इसके अलावा जे गैरिक का करेक्टर, खैर टॉम क्रूज इतना भी बुरा नहीं है कि जे गैरिक का करेक्टर से करना पड़े, यानी कि ये फ्लैश है, पुराना फ्लैश, बहुत ज़्यादा पुराना फ्लैश किसी और अर्थ का, तो ये भी एक ऐसा रोल है जो टॉम क्रूज कर सकता है। इसके अलावा टॉम क्रूज हॉकमैन का भी करेक्टर कर सकता है, लेकिन वो करेक्टर इसको इतना ज़्यादा सूट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसने शर्ट उतारी होती है, एक हाथ में पकड़ा है और मास्क पहना है, वो इतना ज़्यादा मेरे नहीं ख्याल सूट करेगा, क्योंकि जो टॉम क्रूज है वो सूटेड बूटेड ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी कि उसने कुछ पहना हो तो ही अच्छा लगेगा। अब आखिर में मैं 2 ऐसे करेक्टर की बात करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि वो बहुत परफेक्टली कर सकता है। पहला, फैंटम स्ट्रेंजर का करेक्टर। एक तो एज का फैक्टर तो यहाँ से निकल ही गया, दूसरा वो कभी भी किसी मूवी में आ सकता है, जा सकता है, यानी कि कोई इतना बड़ा रोल भी अगर नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। और एक जो आखिरी करेक्टर है जो जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ये कर सकता है, वो है डॉक्टर फेट का करेक्टर। आपकी सोच से ज़्यादा इंटरेस्टिंग करेक्टर है डॉक्टर फेट। और जिन लोगों ने मेरी इनजस्टिस की सीरीज़ देखी है, मेरे ख्याल से ईयर 3 था जिसमें हमारे पास मैजिक इन्वॉल्व हुआ था, तो हमें वहाँ पर डॉक्टर फेट देखने को मिले थे। और अगर किसी ने कोई एनिमेटेड मूवी देखी हो या शो देखे हो पुराने, तो उसको पता होगा कि डॉक्टर फेट का करेक्टर कितना ज़बरदस्त है, और टॉम क्रूज मेरे ख्याल से उसके लिए काफ़ी फिट रहेगा। अच्छा, ये तो हो गए सुपर हीरोज़। इसके अलावा अगर मैं एंटी हीरोज और विलन्स को इन्वॉल्व करूं, तो मिरर्स में एक बड़ा ज़बरदस्त करेक्टर है। आप में से जो लोग एनिमेटेड शोज देखते हैं उनको तो कन्फर्म पता होगा, और वो करेक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं उस करेक्टर का नाम बताऊं तो आप कहेंगे हाँ यार ये कर सकता है। करेक्टर का नाम है एट्रिगन। मुझे तो उसका पूरा मंत्र भी याद था, गॉन गॉन द फॉर्म ऑफ मैन, राइज द डीमन एट्रिगन।
मेरे ख्याल से ये बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर रहेगा, क्योंकि वो एक तरफ तो इंसान है लेकिन जब ये मंत्र पढ़ता है तो वो एक हैवान में कन्वर्ट हो जाता है, हैवान तो नहीं एक डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा मेरे ख्याल से टू फेस के लिए भी वो एक अच्छी चॉइस रहेगा। और अगर मैं बाकी सीजीआई विलन्स की बात करूँ और अगर उसे ग्रीन लैंटर्न मूवी में हमने डालना है तो मेरे ख्याल से एट्रोसिटस का रोल वो बड़ा ज़बरदस्त कर सकता है, क्योंकि हम देखें अगर जॉश ब्रोलिन थैनोस का रोल कर सकता है सीजीआई के साथ तो टॉम क्रूज क्यों नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल से एट्रोसिटस डार्कसाइड किसी भी अच्छे विलन का रोल वो कर सकता है अगर प्रॉपर सीजीआई को यूज़ किया जाए तो, जो कि मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा मसला है एक इतनी बड़ी कंपनी के लिए। और अगर मैं किसी ऐसे विलन की बात करूं जो सीजीआई के बगैर हो यानी कि फुल एक्शन पैक्ड हो, तो उसे कोई पनिशर जैसा रोल जैसे मैक्सवेल लॉर्ड है उसका कैरेक्टर भी दिया जा सकता है, और जिसमें मूवी के एंड पर वंडर वुमन उसकी एकदम से गर्दन तोड़ दे। तो मैक्सवेल लॉर्ड भी काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है टॉम क्रूज के लिए। खैर ये तो मेरे अंदाजे हैं कि वो कौन सा कैरेक्टर कर सकता है। आपको क्या लगता है कि जो टॉम क्रूज है वो कौन सा कैरेक्टर बेहतर कर पाएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।